वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. आज है सैटरडे, लॉन्ग वीकेंड का दूसरा दिन. आई एम सो हैप्पी, कल भी छुट्टी है. टाइम तो अच्छा खासा हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 11:45. लेकिन हम आराम से उठ के देन चिल आउट करके अभी मैं एडिटिंग पे बैठी हुई हूँ और सबको नट्स दे रहा है. हम लोग फिर स्क्विड गेम्स चालू करेंगे वापस. और आज का प्लान है, आई एम थिंकिंग स्क्विड गेम्स की थोड़ी गेम्स वापस खेलेंगे. देखो, मोटा होने वाले सब सुगर्स और कैंडीज बनानी है. यू डोंट हैव टू ईट इट, यू जस्ट हैव टू प्ले इट. मम्मी ने कहा था कि आप लोग अभी फेंक के दे दो. अरे छोटा छोटा बनाएंगे ना, विल मेक इट थोड़ा डिफिकल्ट. चालू है. वेल, दिन पूरा निकल गया है हमारा. आई डिडंट ब्लॉग क्योंकि हम लिटरली स्क्विड गेम पूरा हमने बिंज किया है. अभी बस दो बचे हैं हमारे. और अब हम, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई, तो हम स्क्विड गेम का वो जो कैंडी है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई रियली वॉन्टेड टू वर्क. तो लेट्स सी. मन, तेरे गरम करने में ना हमारा निकलने का टाइम हो जाने वाला है, तो तू गरम करती रह, जाऊँ तारा माटे पार्सल ले. तो हम डिनर के लिए जा रहे हैं. मैं बड़े एंड मोमेंट ये चीज बना रही हूँ, बट आई रियली वांट टू मेक इट. सो मैं बंद कर देता हूँ, इससे कुछ होने नहीं वाला, ये बस इसी में रह जा. तो लड़की ना अभी बाहर जाने के टाइम हुआ है, तैयार होने को 20-25 मिनट लगाने वाली है और अभी ये सब लेके बैठी हुई है. આ બધું વેસ્ટેજ થવાનું છે. મમ્મી નું બતાડીશ કે કેવું કેવું વેસ્ટેજ કર્યું બધું. અભી એ મેલ્ટ હોયગા કલ તક. હમ લોકો અભી નીકળના હે 10 મિનિટ મેં. ક્યા હે યે માનુ, યે પૂરા દિન બેઠી થી ઘર પે, તબી કુછ નહીં કિયા. અબન સ્ક્વિડ ગેમ દેખ રહે હે, ઉસસે તો ઇન્સ્પિરેશન આયા. દેખ, બ્રાઉન હોને ભી લગ ગયે ઓલરેડી. શુગર કુછ બ્રાઉન નહીં હો રહા હે. વૈસા વ્હાઇટ હે કે ઇસસે ઇઝ અ વ્હાઇટ ચીઝ નહીં દેખા હે મેને દુનિયા મેં. ચલ ચલ. तो मानसी देखो इसमें बनाने, ताकि वो सब बंदूक का गोली खाए ना, वैसा वाला काम कर रही हो. पिंच ऑफ सोडा बोल के बहुत ज्यादा नहीं डाल दिया थी. मानसी ने जगह ही नहीं छोड़ा था. उसको अभी दो में से भी एक बनने, एक होने वाला है वो, क्योंकि वो मिक्स हो गया है ऑलरेडी. ये क्यों कर रही है तू? मतलब ने किया था ये इसके ऊपर स्ट्रेटन अप करने के लिए. गदर 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 फेल होने वाला है ये, मेरे को ऐसा लग रहा है. मानसी ने अभी ये कुछ किया हुआ है, तो अभी उसको डाउट है कि वो निकलेगा कि नहीं, जो उसने चिपकाया वहाँ पे गम की तरह यूज़ करते हुए. और पता है मेरे को नहीं समझा कि उसका ये मतलब क्या था करने का. उसको सरफेस ये करते हैं वो लोग, देख, शोइंग इन द वीडियो. तो अभी वो ये होने दे, तभी वो निकलेगा. थोड़ा सूख जाने दे उसको, सूख जाने दे, निकल जाएगा वो. इंजीनियरिंग काम आता है हर जगह पे. बट अपने को एकदम ठंडा नहीं करना ना, उसका होल कैसे गिराएंगे? तो तू बन ये किया ही क्यों, मेरे को समझा नहीं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है. अभी ये गाइस पूरा साथ में निकल जाने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है. पानी जो जे पानी संभाल जो. गदर फेल हुआ है हमारा, लग मेरे को ऐसा आभास हो रहा है अंदर से. खींच अभी थोड़ा जोर से खींच. हाँ, coming out. हाँ खींचना. But I might be breaking it पहले. Oh, you broke it already. मानसी ने तोड़ दिया. मतलब मैंने बनाने टाइम ही तोड़ दिया. गोली लेके आओ भाई, गोली. बंदूक निकालो, बंदूक. भाई निकल नहीं रहा, ये गम की तरह चिपका है. घंटा हुआ क्या? पर तेरे को वो करना ही नहीं था, वो पता नहीं क्यों डाला तूने उसके ऊपर ये डालने. मेरे को सेंस ही नहीं लगा.
ऐसे उसको हिला दिया होता तो ये हो जाता वो। मानसी सॉल्विंग द सिचुएशन, आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। सो अगर मानसी होती, जिन जिन्होंने स्क्विड गेम देखा है, तो मानसी अगर उसमें ये बनाने में होती तो जो ये था ना, सबसे पहले आगे इसको गोली मारता था कि पहले इसको निकाल बाहर तू, बाकी मेरे ये ठीक है, पहले इसको बाहर निकाल। कौन ला रही इसको? निकल रहे। अरे I swear YouTube वीडियो शॉर्ट की इसके ऊपर तुमको ये चीज रखने, सो दैट वो एक प्रेस्ड ये बने और फिर उसके ऊपर तुम ये डालोगे। दैट्स व्हाई आई डिड इट। मैं खुद के मन से क्यों करूंगी, मैं थोड़ी ना ऐसे कुछ कैंडी ये हूँ। सो हमारे पास कैंडी है, इट्स जस्ट वो गेम वाली कैंडी नहीं है। कैंडी बनाना वाज नेवर अ डिफिकल्ट पार्ट। उसको पानी में डाल दो। मानसी तोड़ते हुए कैंडी को। आई स्वेयर यार, वो डब्बा नहीं रखा होता तो बन जाता देख इसके जैसा। हाँ तो तेरे को, मेरे को पता ही नहीं था तेरे को क्यों रखना था, वो मेरे को समझा ही नहीं। क्योंकि सबने रखा था। अब ये कैंडी खिला दे सबको और गाली भी खा सकती। गेम्स कैंडी चैलेंज। मानसी का एक तो बनाए हो तो पहला शेफ ने गोली पड़ से एक तो प्लेयर्स तो बाद में पहले शेफ को एक अपने पास ये छोटा छोटा हमको खेलना ही नहीं है। हमको खेलना ही नहीं है ऐसा। हमको ऐसा गेम ही नहीं खेलना है ऐसा आधा अधूरा। ये छोटा वाला हमको खेलना ही नहीं है। इधर दिस वन, दिस हमको खेलना ही नहीं है। वेल ओके, दैट वाज एन एपिक फेल। बट मैंने वो जो छोटे छोटे ऐसे कप्स बनाए हैं, आई एम गोइंग टू प्ले दैट रात को आके। मतलब 100% वी गोना डू इट। अभी रेडी होते हैं बिकॉज हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। और मतलब डाइट तो have to forget about it ऐसे लग रहा है, बट नहीं, मंडे से हम शुरू करेंगे पक्का वाला 100% है कि नहीं? And you're done? मिलता है। Okay, तो आप बताइए, वो एक कपड़ा होता है आपके पास जो आता है, फिर आप उसको इतना ओवरवेयर कर देते हो कि आपको हर चीज़ में वही पहनने का मन करता है। This top is that for me. Myntra का एंड इट इज सो क्यूट। मतलब द सिंपल येट लाइक टोटली लाइक वेरी वेरी क्यूट। देखो 30 साल के बूढ़े हमारे। चलो यार मम्मी यार। एवरी डैड एवर। हम लोग गाड़ी भी निकाले, हम नीचे भी उतरे उसके पहले पप्पा नीचे आके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारे निकलने का। और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सोया चाप, बेस्ट पंजाबी फूड। अक्षय हैज जॉइंड अस टुडे फॉर द डिनर, जो ऑलरेडी फ्रैंकी तो ठूस क्या है मैं पची के हूँ तो डाइट टच करूँ अभी मैं मारू तो। बेस्ट थिंग कुलचा छोले खोल 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 नहीं नहीं ऐसे है पक्का। हाँ हाँ उस दिन खोला था। हाँ फाइनली मुलुंड में आपको आसपास के कहीं पे भी अगर प्योर पंजाबी फूड खाना है ऑथेंटिक वाला बहुत ही, तो ये मन पंजाबी इज द वे टू गो। सॉरी आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा, आई नो क्या है ऊपर। यस मन पंजाबी इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर।
टाइमर नहीं रख रहे उसमें कोई भरोसा नहीं है एक्चुअली होगा कि नहीं होगा सो इट विल बी कौन पहले निकाल लेगा उसके चूरा चूरा हो चुका है एक दो फेलिंग एट इट मिजरेबली बनाने में और गेम खेलने में मगर वेल हमने जस्ट स्क्विड गेम्स ख़त्म किया एंड एवरीथिंग अबाउट इट इज जस्ट मतलब बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट और इमोशंस पे खेलता है बट हाउ ब्रूटल मैन कैसे उसका पूरा दिन स्क्विड गेम्स में ही गया है बट और स्क्विड गेम फेल में हमारे चक्कर में आई एम रियली टायर्ड नाउ और कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि कल है हमारे घर पे द वेरी इनफेमस यूनियन खाना सबका ऑलमोस्ट पूरी फैमिली मिलने वाली है सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड जस्ट अगर आपने स्क्विड गेम्स देखी है तो कॉमेंट बिलो आपको कैसी लगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टे सेफ Stay inspired and I'll see you in the next vlog.